क्रैंक कर रहा हूँ, क्रैंक जब कर रहा हूँ लाइट चला जा रहा है, फिर चला देखिए डॉट डॉट हो गया। तो इस हाय दोस्तों, मैकेनिक जोन पे आपका स्वागत है। आज कुछ प्रॉब्लमेटिक वीडियो लेके आया हूँ, जैसे मारुति सुजुकी एस्प्रेसो स्टार्टिंग प्रॉब्लम नया है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा पूरा वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना, तो आपको एक एक प्रॉब्लम पूरा पता चल जाएगा। एक वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, कोई इशू नहीं है, वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो में क्या क्या प्रॉब्लम है पूरा मैं वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना भूलिएगा मत, क्योंकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका पास आना चाहिए। तो वीडियो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या हो रहा है। एक्चुअली जब मैं इग्निशन ऑन करके सिर मारने की कोशिश कर रहा हूँ, यह जो देखिए जीरो होके ये डॉट डॉट हो जा रहा है, और ये जो चेक इंजन का लाइट है वो चेक इंजन का लाइट नहीं आ रहा है। देखिए चेक इंजन का कोई लाइट नहीं है, ये स्पीड का ये जीरो हो गया। ये एक्चुअली सुजुकी एस्प्रेसो गाड़ी है, मारुति सुजुकी। तो मैं पहले स्कैनर लगा के चेक कर लूँगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो मैं ये देखिए HDD2 लैपटॉप में लगा दिया हूँ, तो इसको कनेक्ट होने दीजिए, इसके बाद मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो सर्चिंग चल रहा है तो प्रॉब्लम कोड आ गया, इसको सिलेक्ट करके मैं DTC में DTC चेक करूँगा DTC कोड क्या आ रहा है। तो मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ और DTC कोड चेक करता हूँ। एक्चुअली कोड देखिए बहुत सारा है, ये बहुत सारा कोड है, तो मैं कोड को पहले क्लियर कर लेता हूँ। देखिए बहुत सारा कोड है, जो येलो सॉरी वाइट में जो कोड है वो नॉर्मल कोड है, वो हिस्ट्री में लिया है, और जो रेड मार्क हुआ है वो वाला है प्रॉब्लम कोड। तो पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, एक बार डिलीट करूँगा, डाटा क्लियर करूँगा। तो पहले मैं डाटा क्लियर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो देखिए ABS पावर स्टीयरिंग वाला कोड एरर कर दिया, तो ये कोड पूरा परफेक्टली आ गया है, प्रॉब्लम है इसलिए ये कोड गया ही नहीं जो रेड मार्क हुआ था। तो धीरे धीरे देखिए ऑटोमेटिकली हिस्ट्री से फिर करंट में रेड मार्क चला आया। तो देखिए मैं कोड पहले आप लोग को दिखा दे देता हूँ, DTC कोड U0100। तो ABS और सब चारों कोड में देखिए लास्ट कम्युनिकेशन विथ ECM, तो चारों में ABS का भी कोड है, और ABS का एक्चुअली उसका स्पीड देखिए जीरो हो रहा था और ABS का भी कोड था। तो अनुमान किया कि शायद ABS का मॉड्यूल का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बोलूँगा नहीं कि प्रॉब्लम है, हो सकता है। तो मैं ABS का थोड़ा कबलर खोल के बैटरी का वायर खोल के छोड़ दे रहा हूँ, अगर कोई मेमोरी पकड़ ले तो ये मेमोरी चला जाएगा। तो पहले मैं इसका खोल के रख देता हूँ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट। तो अभी 2 मिनट हो गया है, तो इसको फिर मैं ये कपलर फिट करूँगा, फिट करके चेक करूँगा कि प्रॉब्लम गया कि नहीं गया है। तो मैं पहले कपलर को फिट कर लेता हूँ, फिर चेक करता हूँ क्या हो रहा है। तो अभी कपलर हो लग गया है और बैटरी का वायर भी लगा लूँगा, लगा के गाड़ी का बैटरी का वायर फिट हो जा रहा है। तो अभी गाड़ी में जाके चेक करूँगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है। तो इग्निशन कर लेता हूँ ऑन, देखिए ये प्रॉब्लम अभी भी सेम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम गया नहीं है, सेम प्रॉब्लम। मैं क्रैंक कर रहा हूँ, कोई क्रैंक भी काम नहीं कर रहा है, सेल्फ मतलब जो स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमा के क्रैंकिंग करना पड़ता है, तो क्रैंकिंग भी नहीं ले रहा है, सिर्फ देखिए जीरो होके ऑटोमेटिकली डॉट डॉट हो जा रहा है। जब क्रैंक कर रहा हूँ लाइट जा रहा है, डॉट डॉट हो रहा है, देखिए मैं क्रैंक कर रहा हूँ, क्रैंक जब कर रहा हूँ लाइट चला जा रहा है, फिर चला है, देखिए डॉट डॉट हो गया। तो इसी के कारण मेरा पास एक दूसरा कार्ड भी है सेम मॉडल का, तो सेम मॉडल का मैं ECM चेंज करके चेक करूँगा। तो देखिए ये सेम मॉडल कार्ड है, दोनों का ECM को चेक करूँगा। देखिए 5A इसका बैच नंबर है, तो ये दोनों CM सेम है, तो मैं ECM को चेंज करूँगा,
करके चेक करूँगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली जो अच्छा वाला ACM है, मतलब जो गाड़ी में सही है उसका ACM जाके उस गाड़ी में लगाऊंगा, कि देखूंगा कि प्रॉब्लम कुछ गाड़ी एक्चुअली स्टार्ट नहीं होगा। फिर अगर ACM का प्रॉब्लम होगा तो उस गाड़ी में चेक इंजन लाइट आ जाएगा और वो डॉट डॉट मार्क चला जाएगा। तो मैं पहले ACM को खोल लेता हूँ, खोल के उसी गाड़ी में फिट कर लेता हूँ। तो देख लीजिए ACM बोर्ड को खोल लिया। ACM का फुल फॉर्म है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो देखिए इस गाड़ी जो इस गाड़ी में प्रॉब्लम था उसी गाड़ी का ACM उसका लगा हुआ है, जिस सिर्फ उसका दो कबलर खोल के मैं अच्छा वाला ACM में फिट कर लूँगा। तो देख लीजिए मैं अच्छा वाला ACM साइड में रख के उसको मैं कबलर कर लूँगा। तो मैं कबलर को लगा लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हो, देखिए ACM का ऊपर मैं बैठा के दो कबलर कर लिया हूँ, देख लीजिए। एक्चुअली ये कबलर जस्ट फिट करके मैं चेक करूँगा उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं बैटरी का वायर फिट कर दिया हूँ। अभी गाड़ी का अंदर जाके इग्निशन ऑन करेंगे तो देखूँगा प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है। तो देखता हूँ इग्निशन ऑन करके, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका चेक इंजन लाइट भी आ गया है और वो जो डॉट डॉट हुआ था वो ज़ीरो हो गया है। देखिए चेक इंजन और सिर्फ इमोबलाइजर का लाइट ब्लिंक कर रहा है। एक्चुअली क्या हुआ है, इसका BCM और इसका इमोबलाइजर सेंसर अभी भी दूसरा गाड़ी का है, सिर्फ ACM लगा के मैं चेक किया था। इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी ACM का प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका चेक करने से ये इमोबलाइजर वाला पार्ट चेंज करना पड़ेगा और इमोबलाइजर का जो सेंसर है और BCM चेंज करना, बॉडी कंट्रोलर मॉड्यूल चेंज करना पड़ेगा। वो दोनों चेंज करने के बाद ये गाड़ी स्टार्ट होगा। तो आप सोच रहे हो कि प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, ACM का प्रॉब्लम है तो ठीक है। तो एक्चुअली इमोबलाइजर और BCM खोलने का ज़रूरत क्या है, तो मैं पहले बोलता हूँ कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम खराब गाड़ी में नहीं था। एक्चुअली ये प्रॉब्लम था गाड़ी जब चल रहा था तो बीच बीच में ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैं करने का कारण मेरे पास पूरा प्रॉब्लम आ जाएगा आ गया, इसलिए मैं कभी कभार ये प्रॉब्लम क्या हो रहा था कस्टमर के पास, चलते चलते ऑटोमेटिकली वो डॉट आ जा रहा था, किलो स्पीड डॉट हो जा रहा, गाड़ी धीरे धीरे बंद हो जा रहा था। तो इसीलिए मैं गाड़ी पूरा रेडी करूंगा, करके गाड़ी चलाऊंगा, चला के चेक करूंगा। इसलिए मैं इमोबलाइजर और BCM फिट कर रहा हूँ। ये वाला देखिए कैसे प्रॉब्लम हो रहा था, मार्किंग में दिखा रहा हूँ, देखिए देख लीजिए। ये दूसरा गाड़ी का मैं इमोबलाइजर का सेंसर खोलने के लिए आ गया हूँ, इसे सिर्फ एक स्क्रू है तो मैं इसका फटाफट खोल लेता हूँ। खोल के कैसे ये गाड़ी स्टार्ट होगा मैं दिखा दूंगा। एक्चुअली मैं इमोबलाइजर सेंसर जस्ट चाबी से, एक्चुअली चाबी में एक मेमोरी कोटिंग किया रहता है तो इसके साथ जस्ट एक कबलर करेंगे, आपको दिखा देंगे। तो वीडियो में रनिंग रही है, आपको पूरा साफ साफ पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो कैसे क्या करना पड़ेगा आपको पूरा साफ साफ देखिए, थोड़ा धीरे धीरे वीडियो स्किप मत करना, पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैं कवर को हटा लेता हूँ, कवर खोल लिया हूँ और देखिए ये वाला सेंसर मैं खोलूँगा नहीं, जस्ट इसका कबलर खोल लूँगा। कबलर खोल लिया हूँ, देखिए इसका कबलर खोल लिया हूँ, कबलर में जस्ट वो वाला सेंसर लगाऊँगा। देखिए मैं सेंसर लगाऊँगा। आप सोच रहे हो कि ये सेंसर काम कैसे करेगा, एक्चुअली चाबी लगेगा एक जगह में, जस्ट ओरिजिनल चाबी ओरिजिनल जगह में लगेगा, सिर्फ कनेक्शन आ जाएगा इस चाबी इस सेंसर में और जस्ट उसमें टच रहेगा। देखिए अभी भी ये इमोबलाइजर लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो ये नहीं जाएगा क्योंकि इसका BCM भी चेंज करना पड़ेगा, बॉडी कंट्रोलर मॉड्यूल। तो बॉडी कंट्रोलर मॉड्यूल भी मैं चेंज करूँगा, देखिए ये वाला बॉडी कंट्रोलर मॉड्यूल है तो इसको भी चेंज करूँ। ये ऊपर में दो लॉक और नीचे में एक लॉक, तो दोनों लॉक खोलने से ये बॉडी मॉड्यूल खोल जाएगा। तो ये वाला मॉड्यूल भी लगाना पड़ेगा, ECM BCM, एक इंजन मॉड्यूल, एक बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल और इमोबलाइजर। तो तीनों पार्ट को इस गाड़ी में लगाने से ये एक्चुअली ये पुराना जो गाड़ी सही है उसका
पूरा सिस्टम खोल के, पहले ACM लेके आया था, फिर इसका इमोबिलाइजर सेंसर लेके, अभी इसका BCM लेके आया हूँ। तो ये वाला BCM गाड़ी में फिट होगा। तो ये पूरा एक्चुअली ये BCM का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ BCM गाड़ी को हमको स्टार्ट करने के लिए लगेगा। तो BCM फटाफट मैं फिट कर लेता हूँ, फिट करने के बाद मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फटाफट मैं बीच देखिए, ये ओरिजिनल जिस गाड़ी में प्रॉब्लम है उसी गाड़ी का BCM खोल के रख दिया हूँ, और जो दूसरा गाड़ी का BCM, ECM और इमोबिलाइजर सेंसर तीनों एक साथ लगा है इस गाड़ी में। सिर्फ इसको काम कैसे करेगा, जस्ट चाबी सेंस करने के लिए, चाबी में एक कोटिंग किया रहता है, देखिए चाबी सेंस करने के लिए चाबी जस्ट इमोबिलाइजर का सेंसर में वो वाला पार्ट घुसा के रख दिया हूँ। देखिए अभी इमोबिलाइजर का लाइट ब्लिंक करना भी बंद हो गया, अभी कर रहा हूँ गाड़ी स्टार्ट। तो देखिए क्रैंक करके गाड़ी स्टार्ट कर लिया रह रहा हूँ, देखिए गाड़ी हो गया स्टार्ट। तो अभी गाड़ी हो स्टार्ट हो गया है, तो मैं पूरा आप वीडियो में रनिंग रहिए तो मैं दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व। अभी इसको गाड़ी को नॉर्मली गाड़ी स्टार्ट हो गया है, देखिए ये सेंसर जस्ट गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, गाड़ी स्टार्ट हो गया तो इमोबिलाइजर सेंस कर दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गया बस, उसके बाद और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए ACM दूसरा ACM कैसे ठीक हुआ है, उसको ऊपर जस्ट रख के मैं गाड़ी स्टार्ट किया हूँ, अभी गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम किसी का नहीं, इमोबिलाइजर सेंसर का या BCM का, ये प्रॉब्लम है ECM का, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। देखिए गाड़ी मैं टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ और मैं गाड़ी को मतलब 15-20 किलोमीटर चला भी लिया हूँ, तो थोड़ा बहुत गाड़ी चला रहा हूँ अभी भी। तो गाड़ी अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, देखिए ये दूसरा ECM है, ये जो अच्छा वाला, तो इसी का मैं प्रॉब्लम क्या करूँगा, तो ये जो अच्छा ECM जो अच्छा गाड़ी था उसी में फिट कर देंगे, और जो ख़राब ECM है ये देखिए, ये वाला ख़राब ECM है, इससे खोल लिया हूँ, ये वाला ACM अच्छा गाड़ी में लगाएंगे, तो प्रॉब्लम देखेंगे उस गाड़ी में सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, तब मैं पूरा फाइनल हो जाऊंगा। तो प्रॉब्लम ECM का ही है। तो देखिए इस गाड़ी में मैं फिट कर लिया हूँ ख़राब ACM, तो जो डिफेक्ट है प्रॉब्लम है जिस ACM को। तो अभी जाएंगे गाड़ी को इग्निशन ऑन करेंगे, करके देखेंगे कि प्रॉब्लम सेम इस रेड कलर गाड़ी में, ये वाला जो गाड़ी अच्छा है वो कलर गाड़ी में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। तो अभी जब बैठता हूँ और गाड़ी को देखिए इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, देखिए इस गाड़ी में भी सेम प्रॉब्लम है। तो मैं पूरा फाइनल डाउट क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम ECM का ही है। तो अभी ECM प्रॉब्लम है, तो अभी क्या करेंगे, इस गाड़ी में इसका ACM लगा लेंगे। ये देखिए इसके गाड़ी में सब कुछ फिट कर दिया हूँ, मैं वीडियो में नहीं दिखाया था, तो अभी ये वाला ACM खोल के ले लिया हूँ, इसका जो अच्छा वाला ACM है उसका कवलर फिट कर लेता हूँ। तो अभी जो अच्छा ठीक ठाक गाड़ी था जिसका पार्ट्स लेके मैं दूसरा गाड़ी चेकिंग करने के लिए लिए थे, तो उसी गाड़ी का पूरा पार्ट्स मैं फिट कर दिया हूँ, अभी ECM भी उसका लगा दिया हूँ, फिर जाके इस गाड़ी को चलिए बैटरी तक वायर लगा लेता हूँ और लगा के गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करता हूँ। तो इसको पूरा फाइनल कर देता हूँ बैटरी टाइट वाइट करके। तो गाड़ी अभी स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके देखेंगे कि गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो ये गाड़ी देखिए इसका ACM लगाने के बाद गाड़ी, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व, गाड़ी भी स्टार्ट हो गया। तो वीडियो देख के अगर आपको कोई हेल्प मिला है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कॉमेंट में बताइए कितना हेल्प हुआ, तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो के एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना भूलिएगा मत, क्योंकि नया वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आना चाहिए। तो वीडियो में कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तब भी कमेंट में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।